भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा आणि हनुमान मंदिर समितीच्या वतीने सकल हिंदू समाजाच्या वतीने आणि हिरा हमराई म्युझिकल ग्रुपच्या माध्यमातून सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे शनिवारी आयोजन करण्यात आले होते. मकर संक्रांत सणाचे औचित्य साधून हा कार्यक्रम उलवेमध्ये आयोजित करण्यात आला असून या कार्यक्रमाला माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी भेट देत शुभेच्छा दिल्या. तसेच या कार्यक्रमाला उरणचे आमदार महेश बालदी आणि भाजपचे पनवेल तालुका अध्यक्ष अरुणशेठ भगत यांनी भेट दिली. यावेळी आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमाला समाज बांधवांचा तसेच नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. यावेळी लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी उत्तर भारतीय मोर्चाच्या वतीने राबवण्यात येणाऱ्या उपक्रमांचे कौतुक केले. तसेच त्यांना मकर संक्रांतीच्या शुभेच्छा दिल्या. शिडको यहां आई, शिडको ने रस्ते बनाए, गटर बनाए, बिल्डिंग केले, प्लॉट दिए, लेकिन सोशल सर्विस के लिए जो लोगों के लिए कुछ जगह रखना चाहिए वो रखने के बावजूद भी वहाँ कोई डेब्रिज गिरता है, अतिक्रमण होता है, लेकिन लोगों को ये जगह काम में नहीं आती. लेकिन ये हमारे मैं तो और उसके सब जुड़ीदार, इन्होंने ये जगह मेरे को बताया कि साहब ने ऐसा ऐसा जगह है, हम 8 सोसाइटीज़ है यहाँ के, इधर के 4 उधर के 4, ये 8 सोसाइटी के लिए यहाँ कुछ बैठने उठने के लिए जगह हो जाए, इसके लिए कुछ फिलिंग करके दो. फिलिंग हो गया, बोले पेड़ लगाओ. अभी मेरे को तुमको धन्यवाद और देता हूँ कि पेड़ भी तुमने अच्छे बनाए. बोला अच्छा था, उसको पानी दे के खाद दे के, लेकिन उसके अच्छे तरह से बच्चे जैसे उसकी संभाल न कर दिया और हनुमान मंदिर बनाने का दिल में लाया. हम बोले चलो शिडको जो करेगा वो करेगा, हम भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार है. और भगवान की मूर्ति इधर लाया, उसको भी नोटिस भेज दिया कि तोड़ो, हम तोड़ेंगे नहीं तो चलो तुमको जो करना है करो, कैसे आते हैं तोड़ने को हम देखते हैं. हनुमान का ताकत लगाया, ताकत भी लगाया, हनुमान का ताकत लगाया, हनुमान इधर ताकत लगाया, उनकी हिम्मत यहाँ कुछ आने की हुई नहीं, आके आजू बाजू घूम घूम के चले गए. आज हनुमान के हम सब भक्त लोग जो है तो भक्त लोग यहाँ आते हैं, प्यार से भगवान का गुणगान करते हैं. आज ये मकर संक्रांत तिंक्रांत जो बोलते हैं मकर संक्रांत और तिलगुल का दिन जो है, इस दिन पर हम अपना सब एकत्र आके जो त्यौहार मनाया, इसके लिए तुम लोग जो मेहनत कर रहे इधर उधर सब ये करता है, तो इसके लिए तुम सबको मैं धन्यवाद देता हूँ. अपने जन्मभूमि से इतने दूर आके ये 21वीं सदी का एक बहुत बढ़िया नोड उलवे नोड बनने जा रहा है. इसमें कई समस्याएं, जैसे ही नागरीकरण होता है वैसे कई समस्याओं का पीछा अपने को करना पड़ता है. वो अगर संगठन अपन सब एक साथ संगठित हो तो उसके ऊपर हम उसका हर चीज़ का समाधान निकाल सकते हैं. और ये समाधान निकालने के लिए संगठन एक साथ संगठित होना जरूरी है. और आने वाले ये सदी में कई रिफॉर्म आप देखेंगे जो उलवे से और आने वाले 4 महीने के अंदर रेलवे डायरेक्ट वीडी के लिए चालू होगी, MTHL चालू होगा, ये सभी चीज़ें चालू होने वाली हैं. और इसके साथ साथ आज कई समस्या हमको सिडको से सुलझा के लेनी है. जैसे आज एक भी बगीचा उलवे नोड में नहीं है. एक अच्छा PSU होना जरूरी है. जन्म मरण परण तीनों के लिए बहुत चीज़ें अपने को आगे जाके करनी है. और ऐसे समय में अगर समाज एकत्रित होगा, इकट्ठा होगा, तो अपना आवाज भी बुलंद होता है और हम उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं. यावेळी गवाण ग्राम पंचायतीचे उपसरपंच विजय खरत, बहाळचे उपसरपंच अमर पाटील, हनुमान मंदिर समितीचे अध्यक्ष अवधेश कुमार महतो, मनोज कुमार मौर्य, विकास सिंह, ॲडव्होकेट सुनील कुमार, मनोज यादव, ब्रुजेश गिरी, अखिलेश विश्वकर्मा, जवाहरलाल चौहान, विपिन सिंह, गुलाब सिंह, महिला अधिकारी मिशा महतो, अंजू मौर्य, मंजू मौर्य, सोनी यादव, दीपा मौर्य यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार TV News सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.